हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज हम इस मनी प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। ये जो मनी प्लांट का प्लांट है, इसे आपको किस तरह से इसकी समर में केयर करनी है, किस तरह से आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है, किस तरह से, देखिए इस तरह से ये जो कल लीफ का ये जो कलर है ये निकल गया है, उस तरह आपको क्या करना चाहिए, ये सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि प्लांटर जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े प्लांटर में ये जो प्लांट है इसकी इस तरह से इतनी अधिक ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, उसमें पानी भी ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है, तो जो कि इस प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। ये जो मनी प्लांट का ये जो प्लांट है, ये एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसे जब इंडोर में रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की फ़िल्टर धूप आती हो, क्योंकि फ़िल्टर धूप में ही ये अच्छे से ग्रो करता है। अगर इसमें ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसकी ये जो लीफ हैं ये बर्न होने लगेंगी, तो आप इसे सिर्फ ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सुबह की आधे या पौन घंटे की फ़िल्टर धूप आती हो। डायरेक्ट बहुत तेज़ वाली धूप इस पर ना पड़े, जिससे कि इसकी ये जो पत्तियाँ हैं वो ख़राब ना हों। और इसके ये जो कलर के आप वेरिएशन देख रहे हैं, देखिए ये कलर में इस तरह, ये जो लीफ में ये जो कलर्स के ये जो आते हैं ये सिर्फ़ फ़िल्टर धूप में ही आते हैं। अगर आपने इसे बहुत अंधेरे वाली जगह रख दिया है, वहाँ पर इस तरह से ये जो कलर के जो शेड हैं वो नहीं आते हैं, तो आप इसे ध्यान से ऐसी जगह रखें जहाँ पर फ़िल्टर धूप आती हो, बहुत तेज़ दोपहर की धूप नहीं पड़ती हो। आपने अगर इसे बहुत तेज़ धूप में रख दिया है तो ये खुद ही प्लांट आपको इंडिकेशन दे देगा, क्योंकि ये जो ऊपर की ये जो ग्रोइंग स्टेम जो होती है, वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं ये बर्न होने लगती हैं। अगर आपके प्लांट में ये नीचे की लीफ अगर बर्न होने लगे, बर्न नहीं मतलब पीली पड़ने लगे, तो ये तो उसकी एज के कारण होता है। जब लीव्स बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं तब ही ये पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन ऊपर जो ग्रोइंग स्टेम जो होती है वो अगर बर्न होने लगे या पीली पड़ने लगे, तो प्लांट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपने उसे ज़्यादा तेज़ धूप में रख दिया है। तो आप इसे सुबह की आधे घंटे की धूप में रख सकते हैं। अगर आप के घर में बालकनी है तो आप उसे बालकनी में रख दीजिए जहाँ सिर्फ आधे पौन घंटे की धूप आती हो, या फिर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो विंडो के पास रख दीजिए, जहाँ भी इसको बहुत थोड़ी सी ही धूप मिले, तभी इसके कलर के वेरिएशन इस तरह से आएंगे, लीव्स में शाइन बनी रहेगी और ये प्लांट आपका अच्छे से चलेगा। और फ्रेंड्स, आपको इसे समर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस प्लांट की आपको दिन में दो या तीन बार मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्प्रे बोतल ले लेंगे और इस तरह से इस पर मिस्टिंग करेंगे। दिन में दो तीन बार आपको इस तरह से करनी है। इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मिस्टिंग से इस प्लांट को मॉइस्चर मिलेगा, जिससे इसकी जो लीफ हैं वो अच्छे से ग्रोथ होंगी, क्योंकि इस प्लांट का जो लुक है, जो भी इस प्लांट की खासियत है, वो इसकी लीफ की वजह से है। तो आप इस तरह से दिन में दो या तीन बार मिस्टिंग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद होता है, तो आप इस तरह से करते रहेंगे और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इसे जो कंपोस्ट होती है उसे रात भर भिगोकर सुबह छानकर इसकी लीफ पर स्प्रे कर सकते हैं। आप एक लीटर पानी में दो टीस्पून जो होती हैं उन्हें भिगोकर रख दीजिए और छानकर ये जो सारी लीव्स हैं उन पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आपका जो मिक्सचर है जो आपने तैयार किया है, वो बहुत ज़्यादा आप उसमें कंपोस्ट ना डालें, क्योंकि ज़्यादा कंपोस्ट डालने से ये जो लीफ पर आप उसे छिड़केंगे तो ये वो अलग से ही दिखने लगेगा, तो आप उसे हल्का ही रहने दें। दो स्पून एक लीटर पानी में काफ़ी हो जाएगा, आप उसे छानकर अपने प्लांट को दे दीजिए और इससे ये जो आपकी लीफ है ये हेल्दी रहेंगी। एक काम आप और कर सकते हैं, जो चाय की जो वेस्ट होती है टी, सुखाकर उसे आप वो भी इसकी जो सॉइल है उसमें डाल सकते हैं।
अगर आप वैसे चाय यूज़ नहीं पीते हैं, चाय पत्ती आपके घर में इस तरह से नहीं होती है, तो आप जो फ्रेश चाय की जो पत्ती होती है उसे भी 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच भिगो कर रख दीजिए और अगले दिन इस प्लांट को दे दीजिए। तो इससे इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो मिलेगा, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो मिलेगा। या फिर आप अगर कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप उसे उबाल कर पानी में अच्छे से फिर ठंडा कर कर इस प्लांट को दे दीजिए, तो उससे भी आपका प्लांट है वो अच्छे से चलेगा। वैसे तो बड़ी लीफ के लिए अलग ही वैरायटी आती है, जिनकी बड़ी लीफ होती है वो अलग वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल प्लांट में भी इस तरह से बड़ी लीफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने जो बताया मिस्टिंग कीजिए और जो फर्टिलाइज़र बताया वो दीजिए। इसको कैल्शियम वाली खाद भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसके लिए आप एग शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं अपने किसी भी प्लांट में एग शेल का यूज़ नहीं करती हूँ। एग शेल यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप एग शेल्स को धोकर अच्छे से धोकर फिर उन्हें धूप में सुखा लीजिए और मिक्सी में उसका चूरा बनाकर ये जो सॉइल होती है इसके आसपास डाल दीजिए। इससे आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम मिलेगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप जब इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आप इसे मॉस स्टिक के साथ लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी होममेड मॉस स्टिक है, ये जो बोरी होती है उससे मैंने बनाकर इस प्लांट को लगाया हुआ है। मॉस स्टिक लगाने से भी इस प्लांट की ये जो लीफ होती हैं उनकी जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मॉस स्टिक के साथ जब ये प्लांट देखिए इस तरह से हम इसे अटैच कर देते हैं तो इसकी ये जो रूट्स होती हैं, देखिए ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये मॉस स्टिक के अंदर चली जाती हैं। जब हम इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो हम इस मॉस स्टिक में भी स्प्रे करते हैं उस फर्टिलाइज़र का। आपको स्प्रे करना है जो मैंने कंपोस्ट जो बताया है उसका स्प्रे करना है। जैसे मैंने बताया 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच भिगो कर रख दीजिए और सुबह छानकर इस पर ये सारे लीव्स पर आपको स्प्रे करना है। तो इस मॉस स्टिक को भी आप स्प्रे करेंगे और इससे क्या होगा कि इसमें जो न्यूट्रिएंट जाएगा उससे ये रूट्स हैं ये ले लेंगी और ये जो है ना हर एक जगह से इसको न्यूट्रिएंट मिलेगा और ये जो लीफ का साइज़ है ये बढ़ेगा। क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ लीफ निकलती है वहीं नोडी एरिया होता है और वहीं से ये रूट्स निकलती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जहाँ से भी लीफ निकल रही है वहीं पर इसकी ये रूट है। जब ये रूट मॉस स्टिक में चली जाएगी और वहाँ से डायरेक्ट ये जो फर्टिलाइज़र लेगी पानी लेगी तो उससे ये इस लीफ को डायरेक्ट मिलेगा। तो आप इस तरह से मॉस स्टिक के साथ जब इसे अटैच करेंगे तो हर एक लीफ को जो न्यूट्रिएंट मिलेगा उससे ये प्लांट का जो शाइन है इसकी साइज़ है वो भी बढ़ेगा, ये इसकी ये शाइन बनी रहेगी और आप देखिए ये जो कलर ये जो आ रहे हैं ये भी इस तरह से आएंगे। तो आप इस तरह से मॉस स्टिक का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो मार्केट में जो मॉस स्टिक मिलती है वो भी ला सकते हैं, अपने घर में भी ला बना सकते हैं, घर में भी ये इजीली बन जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रोइंग स्टेम जो होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह से ऊपर कभी कभी मॉस स्टिक से अलग हटकर इस तरह से गिर जाती हैं, तो आपको अपनी मॉस स्टिक में इस तरह से इन्हें लपेटना भी है। इस तरह से निकाल कर आप अपनी मॉस स्टिक को अपने मॉस स्टिक के सहारे से इसे इस तरह से लपेट दीजिए, या फिर साइड से जो ब्रांचेज निकल आती हैं, देखिए ये मेरे प्लांट में ये बीच में से ही ये ब्रांच निकलने लगी और ये ब्रांच नीचे गिर रही है देखिए। तो इसको भी इसकी ये सभी लीफ हैं, देखिए इनका ये साइज़ अभी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ग्रोइंग है, तो आप इनको भी मॉस स्टिक के सहारे से अटैच कर दीजिए और इन लीफ का भी साइज़ बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये मॉस स्टिक के साथ जब मॉइस्चर भी लेती रहेंगी और फर्टिलाइज़र भी लेती रहेंगी तो आप इन्हें इस तरह से इसके सहारे से लपेट दीजिए। वैसे तो जो सिंगल ये जो मनी प्लांट है बहुत से लोग इसे सिंगल स्टेम में भी बढ़ाते हैं, सिंगल स्टेम में बढ़ाकर दरवाजे के पास फैला देते हैं या फिर
आपकी जो विंडो है वहाँ फैला देते हैं, या कहीं जाली वाला जैसे कि बालकनी में जो जाली का एरिया होता है वहाँ भी फैला दिया जाता है। लेकिन इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो काफ़ी सारी ये जो लीफ आ रही हैं, वो लीफ जब ही आती हैं जब आप इसे मॉस स्टिक के सहारे से अटैच कर देते हैं। इस तरह से ये घना आपको अगर बनाना है तो आप इस तरह से मॉस स्टिक को इसमें लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, आप इसके जो ऊपर की जो ग्रोइंग स्टेम होती है उसे भी आप इस तरह, देखिए मैंने किया हुआ है, इस तरह से आप हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक नई वो निकलने लगेगी स्टेम, यहाँ से नई स्टेम निकलने लगेगी। तो उसे आप इसके साथ लपेट दीजिए और इसमें इस तरह से काफ़ी सारी लीव्स आ जाएंगी। मेरी अभी ये लीफ कुछ जो काफ़ी पोषक ले लिया, ये बढ़ भी रही हैं, देखिए कई सारी हैं, ये इस तरह से बढ़ भी रही हैं, और जो ग्रोइंग वाली हैं वो भी अभी बढ़ेंगी ही। तो इस तरह से ये सभी तरफ, ये देखिए इस तरफ भी मेरे ये जो प्लांट है इसमें भी ये धीरे धीरे ग्रोथ इनकी हो रही है और इनका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें समय लगता है, आप कहें कि थोड़ा बहुत जल्दी समय में अगर ये इस तरह से बड़ी हो जाए तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसे थोड़ा, आप अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखिए और इस प्लांट को धीरे धीरे ग्रोथ होने दीजिए। और ये लीफ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, इतनी जल्दी झड़ती नहीं हैं और ना ही ख़राब होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप अपने प्लांट में मॉस स्टिक का यूज़ करेंगे। और इसकी जो आप जब इसे लगाएंगे तो इसके लिए जो वेल ड्रेन सॉइल का यूज़ कीजिए। वेल ड्रेन सॉइल में जो पानी होल्ड नहीं होगा तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो आप उसके लिए एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेकर अपना मिक्सर तैयार कर लीजिए और इस प्लांट को लगा दीजिए। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तब ही आप बड़े पॉट में लगाएंगे, नहीं तो आप इसे छोटे कंटेनर में ही लगाएंगे। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता ही दिया, आप इसे इसकी मिस्टिंग कीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।